कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम चार दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बर्बादी हो रहा है, आयोग कह रहे हैं कि एक महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। केंद्र रासायनिक उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया कि खाद की काला बाजारी बिहार सरकार करती है, खाद की तस्करी बिहार में की जाती है और ये सरकार की ही मदद से की जाती है। अब इस पर बिहार सरकार में वर्तमान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने करारा जवाब देते हुए भगवंत खूबा पर पलटवार किया है और कहा है कि जी हां केंद्र मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस बात को खुद स्वीकारते हैं कि बिहार में खाद की तस्करी की जा रही है, खाद की काला बाजारी हो रही है। हमने भी कुछ दिनों पहले तो यही बयान दिया था कि बिहार सरकार के अंदर चोर मौजूद है। अगर मैं एक विभाग का चोर हूं तो मुझसे ऊपर भी कई चोर है, लेकिन वो चोर कौन है? आखिरकार बिहार सरकार के अंदर काला बाजारी कौन कर रहा है, कौन मिला हुआ है खाद की तस्करी में, इसका पता लगाना है। सुधाकर सिंह ने तो ये भी कह दिया कि मैं तो 25 दिन एक महीने से मंत्री हूं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने तो अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचार का पोल खोल दिया, अपनी ही पार्टी के नेता पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्योंकि इसके पहले बिहार सरकार में कृषि मंत्री बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, तो ये साफ जाहिर होता है कि उन्होंने ही बिहार में खाद की कालाबाजारी की है, बिहार में खाद की तस्करी की है। क्योंकि मैं तो एक महीने से मंत्री हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसके पहले जो लोग सत्ता में थे, इसके पहले जो लोग इस विभाग को संभाल रहे थे, तस्करी और कालाबाजारी उनके तरफ से ही की गई है। तो बीजेपी अब खुद की ही चाल में फंस चुकी है, खुद के ही नेता पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं और ये साबित कर दिया है कि बीजेपी ने ही बिहार में भ्रष्टाचार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री सुधाकर सिंह, किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए उसे करारा जवाब दिया है, खाद डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, बिहार में खाद तस्करी और कालाबाजारी को लेकर, आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर भारत सरकार के कल बयान को मैंने देखा और सुना। मैं कल दरभंगा में था कृषि विषय को लेकर के, वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं, हमने भी तो यही बात कही थी दो चार दिनों पहले। लेकिन कौन बिहार सरकार में, कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम चार दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बर्बादी हो रहा है, तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। मैं भी तो कह रहा हूँ चोरी हो रहा था, चोरी कराने वाले तो उन्हीं का। मैं तो 25 दिन से मंत्री हूँ, एक महीने से मंत्री हूँ। आयोग कह रहे हैं कि एक महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा था। साबित हो गया जो मैं कह रहा था, वो बात साबित हो गया बिहार में।